क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जब किसी संख्या को सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 3, 4, 7 से, तो रिमाइंडर हमें 2, 3, 5 प्राप्त होता है। अगर उस संख्या को 42 से विभाज्य करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो भाई, मैं यहाँ पर सक्सेसिव डिवाइड का मतलब क्या होता है आप ये समझो। ओके, मान लो कोई नंबर आपकी एक से, एक्स कोई नंबर है, अगर इसको मैं क्या करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर इसका क्वोशेंट यानी कि कितने बार में जाएगा, मान लो वाई बार में जा रहा है, तो वाई बार में गया, एक्स को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो वाई बार में गया और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2, तो वाई माइनस का 2 ये नंबर्स हो गया। अब इसको 4 से मैं डिवाइड करूँगा, यहाँ से 4 से, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो इसका कुछ क्वोशेंट आना चाहिए, तो 4 को मैंने जब डिवाइड किया तो इसका क्वोशेंट आ गया जेड, मान लो जेड आ गया, इसका रिमाइंडर यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ भाई, इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ, तो जेड माइनस का 3 ये नंबर्स हो गया। अब इसको 7 से मैं डिवाइड करूँगा, 7 से डिवाइड करूँगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर है नहीं, तो जब 7 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है, कितना 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई अगर मैं जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 7 गुना, क्वेश्चन कितना आपका 1, 7 गुना 1 और प्लस रिमाइंडर कितना आपका 5, तो यह कितना 12, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 12। उसी तरीके से जेड की वैल्यू को अगर यहाँ पर रखेंगे हम, तो 4 गुना 12 यानी कि हम वाई की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 गुना जेड और प्लस में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 20 और प्लस में 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 23। उसी तरीके से जेड की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो 23 और गुना 3 कितना होता है, 69 और प्लस का 2 71, ये चीज़ हो गया। हमें बोला गया कि जो रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपका 71 आ गया, क्योंकि एक्स को मैंने रिक्वायर्ड नंबर मान के रखा था, और इसको 42 ले डिवाइड करना है, तो 42 को अगर मैं 71 से डिवाइड करता हूँ तो एक बार में जाएगा 42, 11 में से 2 जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, तो कितना है इसका शेषफल, कितना है, 29 है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।